कृषि विज्ञान केंद्र नीमच को प्राप्त आंकड़ों के अनुसार मौसम में आए बदलाव के पूर्वानुमान नीमच जिले के किसान भाई ध्यान दें कि आगामी एक दो दिनों में तापक्रम पारा न्यूनतम 3 से 1 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना भारतीय मौसम विज्ञान विभाग पुणे एवं मौसम विज्ञान विभाग भोपाल के द्वारा जारी की गई। ऐसी स्थिति में यदि तापक्रम में गिरावट 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यदि ज्यादा समय तक रहती हो तो फसलों को विशेषकर बैंगन, टमाटर, धनिया, मेथी, जीरा, मटर, चना, सरसों, अफीम आदि में पाला पड़ने की संभावना है। ऐसे समय में किसान भाइयों के फसल की सतत निगरानी रखने की एवं फसलों को पाले से बचाव के प्रबंध करने की सलाह दी जाती है। कृषि उपसंचालक एसएस चौहान ने कहा कि पाले से बचाव हेतु फसलों में सिंचाई विशेषकर स्प्रिंकलर विधि करें। यदि पूरी फसल में सिंचाई करने हेतु पानी की कमी है तो सिंचाई नालियों के चारों ओर जगह जगह पानी भर दें। खेत में जगह जगह रोड़ी, कचरा, भूसा, टायर आदि जलाकर धुआं कर दें। यदि फसलों पर अत्यधिक पाले की स्थिति निर्मित होती दिखाई दे तो व्यावसायिक गंधक, सल्फ्यूरिक अम्ल मिली प्रति लीटर पानी में मान से घोल बनाकर छिड़काव करें। उक्त छिड़काव करते समय ध्यान रखें कि फसल पर फूल अवस्था नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अभी मौसम का बदलाव हो रहा है और लगातार ठंड बढ़ रही है, ऐसी स्थिति में पाले गिरने की संभावना है। तो यदि टेम्परेचर 102 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है, अधिक तेज ठंड ठंडी होती है तो पाला गिरने की संभावना है। ऐसी स्थिति में किसान भाई खासतौर से सब्जी वर्ग की फसलें अफीम, बैगन, टमाटर, मिर्च, मेथी, धनिया है ना, चना, ऐसी फसलों को नुकसान होने की संभावना है। तो ऐसी स्थिति में किसान भाई सबसे पहले तो जो खेत की मेड़ है, मेड़ों में जो कूड़ा कचरा होता है, बगदी होता है, इनको जलाए, धुआं करे, और साथ ही जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की व्यवस्था है तो सिंचाई करे, मेड़ के आसपास सिंचाई करे। फसलों में अधिक सिंचाई करेंगे तो पाले से फसलों को बचाव होगी। और साथ में अत्यधिक यदि और पाला गिरता है तो गंधक का तेजाब होता है, 1 ml प्रति लीटर पानी के साथ वो मिला के छिड़काव करेंगे तो इससे फसल को सुरक्षा मिलेगी।